चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। शिक्षकों के सम्मेलन में पहुंचेंगे सीएम योगी, शिक्षकों और युवाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज में ये जनसभा आयोजित की गई है। शाम 6 बजे शिक्षकों के सम्मेलन को संबोधित योगी आदित्यनाथ करेंगे। शिक्षकों के सम्मेलन में 600 शिक्षक शामिल बताए जा रहे हैं। जो शिक्षकों की संख्या वो 600 बताई जा रही है। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में रात्रि का विश्राम भी करेंगे। कल सुबह 11 बजे नेपाल क्लब जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। युवाओं के सम्मेलन को सीएम संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सम्मेलन में 1000 से ज्यादा युवा शामिल रहेंगे। सम्मेलन के बाद वाराणसी के लिए प्रस्थान भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ शिक्षकों को संबोधित करेंगे और शिक्षकों के सम्मेलन में 600 शिक्षक शामिल होंगे, ये बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। तो आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और आज गोरखपुर मंदिर में ही रात्रि विश्राम हो करेंगे। शिक्षकों के सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे ने एक बार फिर से कमल खिलाने का दावा कर दिया है और राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साधा है। पिछले 5 सालों में मैंने विकास के अनंत काम किए हैं, लेकिन विकास की राह में कभी फुल स्टॉप नहीं होता है। अभी चंदौली को हिंदुस्तान के 5 विकसित लोकसभा क्षेत्र में पहुंचाना ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है और इस लक्ष्य में हमें भरोसा है कि जनता अपने इस सिपाही पर उसका 100% भरोसा है और मुझे आशीर्वाद देगी। और चंदौली अगला मेरा टेन्योर पूरा होते होते हिंदुस्तान के 5 विकसित क्षेत्रों में खड़ा होगा, यह हनुमान जी के मंदिर पर संकल्प के साथ बोल रहा हूँ। मोदी जी को रोकने के लिए देश दुनिया खड़ी है, लेकिन काशीवासी तो इस होड़ में लगे हैं कि हम दुनिया के सबसे अधिक रिकॉर्ड वोटों से जिताने वाला नेता नरेंद्र मोदी को बनाने में लगे हैं। इस नाते से जनता ही आगे है तो उसमें किसी के रोकने का, आने का, जाने का कोई सवाल प्रसंग नहीं रखता। मायावती जी घबरा गई हैं। मायावती जी अपनी सुनिश्चित हार को आगामी दिनों में देख करके वह यह महसूस कर रही है कि बचने का रास्ता तलाश रही है, क्योंकि मायावती साबित हो चुका है कि उनका प्रिय दलित नहीं है, गरीब नहीं है, दौलत है। और मोदी का प्रिय गरीब है, जिसके पांव धुलते हुए वो सेवा कर रहे हैं। अब राहुल जी की बात तो सर्वविदित हो चुकी, वो देश को क्या लीड करेंगे? जिनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया स्मृति ईरानी की सक्रियता से, वो सुरक्षित सीट तलाशने चले गए। जो अपनी सीट सुरक्षित तलाशने चला गया वो देश को सुरक्षा क्या दे सकता, सेवा क्या? घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।